हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है और आज हम बात करेंगे कमेंट बैकलिंक के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा, बैकलिंक होता क्या है, किस किस टाइप के बैकलिंक होती है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप में से बहुत सारे लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या आपको कमेंट बैकलिंक बनानी चाहिए और कमेंट बैकलिंक बनानी चाहिए तो किस तरीके की बनानी चाहिए जिससे कि आपको एडवांटेज मिले। हे गाइस, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हो और ऐसे ही अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं, मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बहुत ही जल्दी मैं ट्रैफिक सीरीज को लेकर बैक टू बैक 10 वीडियोस लेके आने वाला हूं। तो आप में से जितने भी लोग चाहते हैं कि मैं ट्रैफिक की सीरीज को लेकर के वेबसाइट पे कैसे ट्रैफिक लाया जाए उस पर डिटेल वीडियोस बनाओ, तो आप फटाफट से कमेंट करना चालू कीजिए। इस वीडियो पे 1000 से ज्यादा लाइक और 500 से ज्यादा कमेंट होंगे तो ऑब्वियसली आई विल बी मेकिंग अ डिटेल वीडियो जिससे आप सबकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके जिसके लिए आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। चले गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं कमेंट बैकलिंक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, बैकलिंक की इंपॉर्टेंस क्या है? गूगल के अंदर कोई भी कंटेंट रैंक होता है तो गूगल के अपने 100 प्लस पैरामीटर है और यू के 200 प्लस पैरामीटर है और उन पैरामीटर के बेसिस पे कोई कंटेंट को रैंक किया जाता है। बैकलिंक जब गूगल सबसे पहला इवॉल्व हुआ या फिर जैसे इसका एल्गोरिथम रोल आउट हुआ तो उसकी सबसे पहला क्राइटेरिया किसी कंटेंट को रैंक करने को लेके था, वो था बैकलिंक। ओके, उस बैकलिंक में सारी बैकलिंक नो मैटर का आप किसी भी तरीके से आपकी साइट पे बैकलिंक लेके आते थे आपका कंटेंट रैंक करता था। लेकिन ओवर द टाइम लोग अलग अलग तरीके से बैकलिंक यूज करने लगे, जैसा कि डू फॉलो बैकलिंक, नो फॉलो बैकलिंक, कमेंट बैकलिंक, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक। तो उसी में से आज हम बात करने वाले हैं, वो है कमेंट बैकलिंक। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या आज भी बैकलिंक उतनी ही इफेक्टिव है? आंसर इज इफेक्टिव आज भी उतनी ही है, लेकिन इसका जो वेटेज है एज कंपेयर टू डिफरेंट पैरामीटर वो कम हो चुका है। पहले बैकलिंक एक मेजोरिटी क्राइटेरिया हुआ करता था आपकी साइट को रैंक करने के लिए, यहां तक कि आप डोमेन को एक्सपायर डोमेन को रीराउट भी करते थे तो आपकी साइट रैंक हो जाती थी, बट दिस इज नॉट द केस राइट नाउ। तो कमेंट बैकलिंक आपको बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए? सबसे पहले चीज, कमेंट बैकलिंक होता क्या है? सिंपल से शब्दों में कहूं, जैसे आप मेरे ब्लॉग को आते हैं, bloginghost.com पे जाते हैं, कोई ब्लॉग को रीड करता है, रीड करने के बाद में जो मेरे नीचे कमेंट का सेक्शन बना के रखा है, आप में से बहुत सारे लोग वहां पे कंटेंट को अप्रिशिएट करता है या फिर आपकी क्वेरी को पोस्ट करते हैं, और जब उस कंटेंट को पोस्ट करते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन होता है वेबसाइट। तो जैसे आप आपकी वेबसाइट का URL डालते हैं और अगर आपका कमेंट उस साइट पे पब्लिश हो जाता है, मतलब आपको बैकलिंक मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कमेंट बैकलिंक। मतलब आपने कहीं जाके कमेंट किया या फिर आप किसी फोरम की वेबसाइट पे जाके कुछ कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें कंसिडर होती है कमेंट बैकलिंक के अंदर। तो कमेंट बैकलिंक कैसे काम करती है? 99% केसेस के अंदर जो कमेंट बैकलिंक मिलती है वो होती है नो फॉलो, मतलब ऐसे बैकलिंक जहां से आपको कोई अथॉरिटी पास नहीं होती है, फिर भी आपको ये क्रिएट करनी चाहिए। उसका रीजन क्या है? नंबर वन रीजन, देखिए, आपकी वेबसाइट जब नई होती है तो ऑब्वियसली गूगल या किसी भी सर्च इंजन के क्रॉलर को यह नहीं पता होता है कि आपका एग्जिस्टेंस है या नहीं है। तो जब आप जगह जगह जाकर के कमेंट बैकलिंक क्रिएट करते हैं, जेन्युइन साइट के साथ कीजिएगा, ऐसा नहीं किसी स्पैमी साइट पे जाकर के कुछ भी करना चालू कर दिया। जेन्युइन साइट पे जाइए, वहां पे आपका एक डिटेल कमेंट लिखिए, वेबसाइट नहीं भी ऑप्शन है तो इग्नोर कीजिए, बट एक डिटेल कमेंटिंग लिखिए। यह आपको सबसे पहले हेल्प करता है ईट के अंदर, आपकी ऑथोरिटी बिल्ड होती जाती है, जो आपका प्रोफाइल है जगह जगह दिखता है तो इसकी वजह से गूगल को लगता है कि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है। नंबर टू, जो आप कमेंट बैकलिंक बनाते हैं तो कमेंट बैकलिंक जब आपकी उस साइट पे पब्लिश हो जाती है और गूगल का क्राउलर जब उस पर्टिकुलर वेबसाइट को विजिट करता है तो नीचे जो लिंक है उसको भी वो देखता है, ऑब्वियसली उसके थ्रू आपको कोई ऑथोरिटी पास नहीं करेगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो नो फॉलो बैकलिंक का जो हम टैग लगाते हैं, दैट डजंट मीन कि वो कोई ऑथोरिटी पास नहीं करता है। ये गूगल का ओन डिसीजन है कि क्या उसके थ्रू वो कोई ऑथोरिटी पास करना चाहता है नहीं चाहता। अगर आपको मार्केट में कहीं ये देखने को मिलेगा कि लोग बोल रहे हैं कि कमेंट नो फॉलो बैकलिंक मतलब 0% ऑथोरिटी पास आउट होती है, तो ये अभी भी गूगल का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो ऑथोरिटी पास कर सकता है और वो चाहे तो नहीं। तो ये गलत फहमी में ना रहे, तो अगर आपने ऑथेंटिक सोर्सेज, जेन्युइन लार्ज ह्यूज वेबसाइट जो बहुत ही पॉपुलर है, अगर आपका कमेंट वहां पे पब्लिश होता है तो यहां से आपको अथॉरिटी मिलती है। क्राउलर जाके विजिट भी कर सकता है या फिर नहीं भी कर सकता है, लेकिन इससे क्राउलर को यह पता लगेगा कि आपका कहीं तो एग्जिस्टेंस है, और इस ऑथेंटिक सोर्स के अंदर अगर आपका कमेंट पब्लिश हुआ है मतलब आप कहीं जेन्युइन यूजर हो। यह हो गया इसका सेकंड एडवांटेज। नंबर थ्री एडवांटेज, कमेंट बैकलिंक से हम ये समझ सकते हैं कि चलिए क्राउलर से अगर आपको कोई क्रेडिट नहीं मिला कहीं पे भी जाके अगर आपने क्रिएट किया, या फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके हेल्प से आपको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, तो कमेंट बैकलिंक में ये हेल्प होती है गाइस कि यूजर मैन्युअली आपकी वेबसाइट की लिंक को क्लिक करके आपकी साइट को विजिट कर सकता है। तो इमेजिन कीजिए, अगर आपकी साइट पे आप फुली ऑर्गेनिक ट्रैफिक ड्राइव नहीं कर पा रहे, आपके पास कोई भी ट्रैफिक ड्राइविंग का मेथड नहीं है, लेकिन अगर आप कमेंट बैकलिंक क्रिएट करते तो यहां पर हाईली पोटेंशियल चांसेस है कि जितने भी लोग उस कमेंट को रीड करेंगे उसमें से 10% लोग आपकी साइट पे जाएंगे और एक बार जाएंगे 2 से 3 पेज यूज करेंगे, और हो सकता है
कंटेंट अच्छा लगेगा तो वो आपकी साइट पे रूटीन वेज के अंदर विजिट करना चालू करेंगे। तो ये इसका एडवांटेज है। तो कमेंट बैकलिंक के अपने अपने एडवांटेज हैं और आज मैं रिकमेंड करता हूं कमेंट बैकलिंक बनाइए बट ऑथेंटिक सोर्सेस पे। जैसे कि अगर आप bloginghost.com पे मैं देखता हूं दिन के अंदर 100-200 लोग कमेंट करते हैं, राइट 100-200 कमेंट करते हैं क्योंकि 1000-2000 लोग एवरीडे उस साइट पे आते हैं। तो 200 जो कमेंट मैंने पब्लिश किए, जब बंदे उनकी साइट को रीड करते हैं वो ये जानते हैं कि ये बंदा या तो ब्लॉगर है कुछ भी है, तो ये उनकी प्रोफाइल को क्लिक करके उनकी साइट को विजिट करता है और इस तरीके से उनको यहां पर एडवांटेज मिलता है। और रिमेंबर, गूगल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है यूजर। नो मैटर वो यूजर कैसे आ रहा है, अगर वो यूजर आपके ऑथेंटिक और जेन्युइन सोर्सेज के थ्रू आ रहा है, चाहे ऑर्गेनिक ट्रैफिक के थ्रू हो या फिर सोशल मीडिया के ट्रैफिक के थ्रू हो या फिर आपके कमेंट बैकलिंक पे क्लिक करके हो, जब वो यूजर आपकी साइट पे आता है वो कितने टाइम तक आपकी साइट का कॉन्टेंट को रीड करता है, कितना टाइम वो वहां पर स्पेंड करता है, ये सारा डेटा एनालिसिस होता है और इसके हिसाब से आपकी साइट के दूसरे पोस्ट पे रैंक करने लगते हैं। ये छोटा सा सिंपल और क्रिस्प रूल है। आई होप कि यहां पर आपको समझ में आ गया कमेंट बैकलिंक की इंपॉर्टेंस और क्या आपको कमेंट बैकलिंक बनानी चाहिए या नहीं चाहिए। ऐसे ही गाइस, एक्सक्लूसिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज भी 60% लोग ऐसे हैं जो वीडियोस डेली देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। अगर आप उनमें से एक हैं, चैनल को क्रेडिट देना चालू कीजिए। मैं यहाँ पे आपको प्रीमियम लर्निंग फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूं। आज ही सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आप ट्रैफिक सीरीज पे वीडियोस चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।